मेरे एक युवा व्यूअर्स ने मुझसे एक सवाल पूछा। उनकी उम्र 35 वर्ष है, उनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपये पर मंथ है, वो 25,000 रुपये हर मंथ सेव कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि अगले 10-15 वर्षों के बाद, यानी जब उसकी उम्र 45 से 50 साल हो जाए, तो वो रिटायर कर जाएं। और वो ये भी कहते हैं कि अगले 10-15 वर्षों में 25,000 की सेविंग में इंक्रीमेंटल सेविंग नहीं कर सकते, यानी 25,000 आज से लेकर अगले 10-15 वर्षों तक 25,000 ही सेव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में उनकी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी। हालांकि 1 करोड़ का रुपए आज से 10-15 वर्षों के बाद, यानी यदि इसकी वैल्यू आज के दिन में माने और इन्फ्लेशन का रेट यूनिफॉर्म में 5% हो, तो 10 वर्ष के बाद जो 1 करोड़ रुपए होंगे उसकी आज के दिन में वैल्यू करीब 61 लाख के आसपास होगी, और 15 वर्ष के बाद जो 1 करोड़ रुपए होगी आज के दिन में उसकी वैल्यू करीब 48 लाख के आसपास होगी। हालांकि मैं समझता हूं कि ये 50-60 लाख कॉर्पस सफिशियंट नहीं है उस यंग जनरेशन के लिए जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपये है। हालांकि ये उनके लिमिटेशंस हो सकते हैं, उनके कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि 35 वर्ष की उम्र एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हर युवा के ज़िंदगी में, वो जीवन और करियर दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है। अब अगला सवाल जो सामने आता है वो ये आता है कि हमने बता तो दिया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25,000 रुपये SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करें, लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन ये होगा किस सेगमेंट में करें, क्या सारे पैसे एक ही सेगमेंट एक ही म्यूचुअल फंड में करें या अलग अलग सेगमेंट में करें, और सेगमेंट के में भी कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, किस म्यूचुअल फंड में करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर्स कि 25,000 रुपये एक ही सेगमेंट या एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करने हैं, उसको डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है और उस 25,000 को डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के लिए एलोकेट करने होंगे। और यह एलोकेशन होगा 5,000, 10,000, 10,000। जैसे मैंने पहले बात की थी कि हम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में करेंगे, SIP के फॉर्म में करेंगे, तो 5,000 पर मंथ एक म्यूचुअल फंड में, 10,000 पर मंथ एक म्यूचुअल फंड में और तीसरे म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ करेंगे, टोटल 25,000 का एलोकेशन ये होगा। और जनाब यहाँ देखा आपने कि हमने लिखा है 5,000 या 10,000 पर मंथ। सामान्य अवस्था में एक कॉमन इन्वेस्टर ये समझता है कि SIP का मतलब हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब वो समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो SIP की होती है वो मंथली ही होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। SIP की फ्रीक्वेंसी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तक होती है। हालांकि ये बात है कि सारे AMC सारी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो SIP के फॉर्म में, उसमें जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है और उसके हिसाब से आप SIP की फ्रीक्वेंसी चूज करें। तो हमने देखा कि 5,000, 10,000, 10,000 तीन डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में हम SIP करना चाहते हैं, तो चूंकि आपकी उम्र 35 वर्ष है तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि 5,000 रुपये आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, 10,000 रुपये मिड कैप में और अगला 10,000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। ये तो हम सेगमेंट वाइज हमने कर लिया, स्मॉल और मिड कैप में 10,000 का और लार्ज कैप में 5,000 का। लेकिन सवाल ये है कि हर सेगमेंट में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो यदि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल विजडम है, नॉर्मल कोर्स में ये माना जाता है कि लार्ज कैप सेगमेंट में 18-19% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा और मिड कैप में 2-3% अधिक और स्मॉल कैप में उससे 2-3% अधिक। सो नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि लार्ज कैप में 17-19% के आसपास, यदि 10 साल का टाइम होरिजन हो तो XIRR जो है इनका 17-19-20% के आसपास होता है, हो सकता है 1-8% कम या अधिक हो जाए, ये डिपेंड करता है आपके फंड सिलेक्शन पे। और मिड कैप में यही XIRR जो है ये 20-22% के आसपास कम से कम होता है, ये हमने कंजर्वेटिव व्यू लिया है। हो सकता है कि आप यदि फाइनेंशियली स्मार्ट हैं तो कुछ ऐसा फंड शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जिसमें XIRR इससे अधिक हो, और स्मॉल कैप में यही 10 साल का जो XIRR है वो 23-25% के पास है। और ये सारे जो IR लिए हुए हैं हमने, ये लिए हुए हैं पिछले 10 साल या 12 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, और हम ये मानते हैं कि शायद अगले 10-15 साल इस परफॉर्मेंस को ये रिपीट करें। इस अवस्था में यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं और जैसे कर सकते हैं, तो कुछ फंड्स हैं जो अच्छे फंड हैं, इससे भी अच्छे फंड और हो सकते हैं, जैसे निपॉन का लार्ज कैप फंड, ICICI का ब्लू चिप फंड,
इसमें यदि इन्वेस्ट पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 18-19% के आसपास रिटर्न मिले हैं, और यदि आपने इसमें इन्वेस्ट किया और आपको यदि 17% का XIRR मिला तो 5,000 के रुपए 15,50,000 10 साल में हो जाएंगे। 18% के हिसाब से 5,000 आपके 16,50,000 हो जाएंगे आफ्टर 10 ईयर्स, और 19% के हिसाब से 17,50,000 हो जाएंगे अगले 10 वर्षों में। ये तो बातें हैं लार्ज कैप फंड की। यदि हम बात करें मिड कैप की, जहां कि हमने कम से कम 20% रखा हुआ है और मैक्सिमम 22%, हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमने कंजर्वेटिव XIRR को लिया हुआ है। यदि आप स्मार्टली चूज करेंगे शायद इससे बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। यदि आपको 20% के हिसाब से कोई ऐसा फंड मिला जिसमें 20% का XIRR फॉर 10 ईयर्स, तो 10,000 रुपये पर मंथ ये 37,50,000 के आसपास हो जाएंगे। यही बातें यदि स्मॉल कैप में करें, जहां हमने सबसे कम 23% लिया है और 23-25% के आसपास का लिया है, 23% में ये 45,70,000 बनते हैं, 24% में 48,80,000 और 25% में ये 51,90,000 बनते हैं। अब हमने ये माना कि आपने जो फंड शॉर्टलिस्ट किया है, लार्ज कैप में ऐसा फंड मिला जिसका XIRR 17% था, मिड कैप में ऐसा फंड शॉर्टलिस्ट करें जिसका जो कम से कम 20% है, और स्मॉल कैप में 23% है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि लार्ज कैप में कुछ फंड्स हैं जैसे निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप, ICICI का ब्लू चिप, मिड कैप में है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मोतीलाल ओसवाल का, निप्पॉन इंडिया का मिड कैप, स्मॉल कैप में कुछ फंड्स हैं जैसे निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, कुछ और फंड्स हैं HSBC वगैरह के। इन फंड्स में यदि आप करेंगे तो ये 17-25% के बीच में आपको XIRR मिल जाएंगे। और यदि आपने माना अनफॉर्चुनेटली आपको वो फंड शॉर्टलिस्ट हुए जिसमें लार्ज कैप में 17% मिला, मिड कैप में 20% मिला और स्मॉल कैप में 23% मिला, तो 10 सालों के बाद यदि सबसे कम आप 17%, 20% और 23% वाले में इन्वेस्ट किए हुए, तो आपको 10 वर्षों के बाद ये 98,70,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएगा। और यदि आप में सबसे अधिक यानी लार्ज कैप में 19%, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 25% वाले फंड में इन्वेस्ट किया, तो 10 वर्षों के बाद ये 1,11,90,000, इसका मतलब ये आसपास करीब 1,12,00,000 के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा। और इस हिसाब से ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने एक XIRR का जो दिया हुआ है ये पिछले 10 वर्षों के परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया हुआ है। हो सकता है कि यदि अगले 10 साल यही रिपीट करें तो शायद इससे बेहतर परफॉर्म भी करें, बिकॉज हमने जैसे मैंने पहले बताया कि हमने कंजर्वेटिव व्यू लिया हुआ है और 17-25% के बीच लिया है। हालांकि कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ये आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यदि 25,000 रुपये हर महीने अगले 10 वर्षों के लिए करें तो 10 वर्षों के बाद आपके करोड़पति बनने की पूरी संभावना है। थैंक यू।